गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हमने कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा था कंसंट्रेशन क्या होता है द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टर्म एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है यानी कि रिलेटिव का मतलब क्या है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में भाई सॉल्यूट का मास कितना है वो होगी कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन के को निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं लेकिन अपने सिलेबस में दो ही मेथड हैं मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज तो फर्स्ट मेथड है अब अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो पहला मेथड है मास बाय मास परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड और दूसरा मेथड है जिसमें हम वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं सॉल्यूशन की तो क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन टू हंड्रेड ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेंस फोर्टी ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन थ्री ट्वेंटी ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में वो डिमांड किस चीज़ की कर रहा है क्या चीज़ पूछ रहा है निकालने के लिए तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि मास बाय मास परसेंटेज निकालिए अब मास बाय मास परसेंटेज का आपको फॉर्मूला पता है मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है यहाँ लिखा हुआ देखिए मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इन टू हंड्रेड तो हमें ये टर्म्स पता होना चाहिए तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है फोर्टी ग्राम और इन 320 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ पे सॉल्यूशन का मास नहीं दिया यहाँ पे सॉल्वेंट का मास दिया है ये तो सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूशन का मास कैसे निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट तो यहाँ पे सॉल्यूट का मास दिया हुआ है सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है दोनों का सम करो सॉल्यूशन का मास आ गया अब अपने को निकालना क्या है मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर सॉल्यूट का मास रखेंगे नीचे सॉल्यूशन का मास रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो सॉल्यूट का मास 40 है ये और सॉल्यूशन का मास कितना आया ऐड करके 360 ग्राम इंटू हंड्रेड तो आंसर कितना हो गया एलेवन परसेंट देखिए यहाँ पे अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं 690 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर कंटेंस 230 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बिल्कुल वही वैसे ही निकालना है जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने करा है मास परसेंटेज ही निकालना है मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इन टू हंड्रेड तो अभी अपने को ये देखना है कि ये ये टर्म्स देखनी है तो देखिए यहाँ दिया हुआ है सिक्स नाइन्टी ग्राम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है उसको यहाँ नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में और ऊपर टू थर्टी ग्राम यहाँ पे पुट करेंगे इन 200 हंड्रेड कर देंगे ये आंसर आ गया ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे बस यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज पूछा है मास परसेंटेज नहीं पूछा थैंक यू